है बेटा सिक्स साइंस नॉन कोचिंग क्लास में हम रीड कर रहे हैं साइंस का सेकंड चैप्टर बेटा। इससे पहले आप बहुत सारे फूड कंपोनेंट्स के बारे में रीड कर चुके हो। कल की क्लास में हमने कौन सा कंपोनेंट पढ़ा था बेटा? वाटर कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था। उसमें आपने क्या रीड किया? हमारी बॉडी में कितने परसेंट पानी है बेटा? सभी को पता है ना कितना पानी है? 70% पानी है। ठीक है, किस किस में हेल्प करता है वाटर? आपकी ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, ब्रेक डाउन करता है फूड को, और जो भी वेस्ट है उसमें निकालने में, वेस्ट ट्रांसक्रिप्शन करने में कौन हेल्प करता है? हमारी वाटर हेल्प करता है। देन हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कंपोनेंट फूड का रफेज, ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं, फाइबर, रेशा। ठीक है, रफेज में क्या आते हैं बेटा? कच्चे चीजें, यानी कि जो आप बॉईल करके या फिर पका के नहीं खाते, ऐसी चीजें शामिल है। कच्चे चीजों से हम क्या समझते हैं? रफेज को समझते हैं। कैसे समझेंगे बेटा? जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप इंटेक करते हुए एज ए रफेज हम उनको स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, कुछ एक क्या होते हैं बेटा, जो कुछ एक खाने का ऐसा हिस्सा होता है जो हमारी बॉडी में जाके क्या नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है, ये कौन सा हिस्सा होगा जो डाइजेस्ट नहीं होता बेटा? सेल्युलोज। ठीक है, ग्लूकोज होता है वो हमारी बॉडी में डिजोल्व हो जाता है, उसको हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, खाना जब हमने इंटेक किया तो उसमें से कुछ एक हिस्सा होता है जो क्या होता है बेटा, बच जाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेल्युलोज बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेल्युलोज क्या होता है बेटा, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। क्या होता है सेल्युलोज? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें कुछ एक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो शामिल होते हैं। ठीक है, कुछ एक फ्रूट और वेजिटेबल का हिस्सा बच जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रफेज बोलते हैं। किस फॉर्म में होता है? सेल्युलोज। तो सेल्युलोज इसकी एक फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है, और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रफेज बोलते हैं। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड को ही हम क्या बोलेंगे, रफेज बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे बेटा खाने का क्या है कि इम्पोर्टेंट हिस्सा है। क्यों है ये हमारे खाने का इम्पोर्टेंट हिस्सा? उसके लिए कुछ रीजन है। ठीक है बेटा, हम क्या करते हैं, बहुत सारा खाना हमारी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, तो इसमें से कुछ एक पार्ट होता है जो क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। जब हम अपने मुंह से लेके और जो एनस तक हमारे पेट तक जाता है, आहार नली से होते हुए हमारे पेट तक जो सारा खाना जाता है, उसमें क्या होता है, कुछ एक हिस्सा होता है जो बच जाता है। ठीक है, तो वो फिर किसके रूप में, वेस्ट के रूप में है वो बाहर आता है। ठीक है बेटा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रफेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना बेटा, जो घर में भैंस है या गाय है, आपने उनको जुगाली करते देखा, वो मुंह चलाती रहती हैं, तो कौन सा हिस्सा होता है बेटा, वो रफेज होता है। ठीक है, उन्होंने खाना इनटेक किया तो कुछ एक रफेज होता है जो उनके, उनमें बेटा दो पेट होते हैं, ठीक है, दो स्टमक होते हैं ज्यादातर जो गाय है या भैंस है, इनमें वो क्या करते हैं, एक स्टमक में जो खाना डाइजेस्ट होता है वो चला जाता है, आगे वाले स्टमक में रफेज हो जाता है, तो रफेज को बार बार ऊपर लेते हैं और उसको चबाते रहते हैं। ठीक है, उनसे उनको क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, और जो दूध देने की क्षमता है वो इंक्रीज होती है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, रफेज बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो रफेज में कौन सा खाना आता है बेटा, जब आप खाना खाते हो तो उसमें से कुछ एक खाना है जो अनडाइजेस्टेड बच जाता है, जिसको आपने क्या बोला है, रफेज बोला है। ठीक है, ठीक है बेटा, अब रफेज के बाद हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ये आपके फूड कंपोनेंट्स हो गए यहाँ से, तो नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, क्या आता है बेटा, बैलेंस्ड डाइट, वो हम स्टडी करते हैं। देखो बेटा, सभी क्या करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है, क्योंकि एनर्जी के लिए क्या जरूरी है, फूड को इनटेक करना जरूरी है। अगर आप फूड नहीं लोगे तो क्या नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, और विदाउट एनर्जी के आप कोई भी एक्टिविटी या कोई भी वर्क है वो पॉसिबल नहीं है, ना आपकी ग्रोथ होगी, ना आपकी हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। ठीक है बेटा, तो इसके लिए जब हमने खाना खाया, ठीक है, तो हेल्थी डाइट क्या है, यानी कि आप किस तरह से डाइट को फॉलो करते हो, बैलेंस डाइट में उसी को समझते हैं। ठीक है, हेल्थी रहने के लिए जब आप खाना खाते हो तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए, उस खाने में सारे न्यूट्रिएंट्स है वो प्रेजेंट होना जरूरी है, यानी कि सारे न्यूट्रिएंट्स की प्रेजेंस वहां पे जरूरी है। ठीक है, सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें होने चाहिए बेटा, राइट अमाउंट में होने चाहिए। अगर आप किसी भी न्यूट्रिएंट्स को छोड़ देते हो तो उसकी कमी से क्या होगा बेटा, आपकी बॉडी है उसमें क्या होने लग जाएगी, डिजीज है ये होने लग जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपने अलग अलग तरह के फूड को कंबाइन करके खाना चाहिए। ठीक है,
जैसे फॉर एग्जाम्पल हम समझे तो जैसे हमने सुबह किया, हमने नाश्ता कर लिया, ठीक है, मान लो आपने दूध ब्रेड खाया, ठीक है, दोपहर में भी आप दूध ब्रेड लो, शाम को भी आप दूध ब्रेड ही लो, तो ये क्या हो गई आपकी अनबैलेंस डाइट होगी। इसको बैलेंस डाइट नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको एक ही तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो आपकी बॉडी में जाएंगे, ठीक है। बैलेंस डाइट के लिए क्या जरूरी, आपने सुबह दूध ब्रेड लिया, दोपहर में आप क्या खाओ, चपाती खाओ, दाल खाओ, चावल खाओ, ठीक है, सैलड्स लो, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स लो, शाम को भी ऐसे ही आपने सैलड लिया, वेजिटेबल्स लिए, ठीक है, तो इससे क्या होगा, एग्स लिए, जिससे क्या होता है आपकी बॉडी को प्रोटीन्स भी मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट भी मिलेंगे, विटामिन मिनरल्स भी मिलेंगे। तो इस तरह से आपने क्या जरूरी है, एक ऐसी डाइट का इंटेक करना जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो, कम्प्लीटली प्रेजेंट हो, ठीक है। ऐसी डाइट, ए डाइट कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट या प्रॉपर क्वांटिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट, ठीक है। ए डाइट containing all the nutrients in proper quantity, ठीक है, एक ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स किसमें प्रेजेंट हो बेटा, एक प्रॉपर क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। तो इस डाइट में क्या होनी चाहिए, एनर्जी गिविंग फूड भी होनी चाहिए, बॉडी बिल्डिंग फूड भी होने चाहिए, प्रोटेक्टिव फूड्स भी होने चाहिए। लिखाने का मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स, ये सारी चीजें होना उसमें जरूरी है, तो ये वो डाइट कैसी डाइट है आपकी, बैलेंस डाइट है, ठीक है। अब बैलेंस डाइट बेटा एज के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से, ऑक्यूपेशन काम के हिसाब से क्या होती है बेटा, अलग अलग हो सकती है। एज के हिसाब से छोटे बच्चा कुछ हल्की डाइट लेता है, अडल्ट पर्सन है वो क्या करता है, अच्छी डाइट लेता है। हेल्थ के हिसाब से बोले जैसे एक हेल्थी पर्सन है वो डाइट अच्छी लेगा, जो इलनेस है जिसको जिसको बीमारी से ग्रस्त है वो क्या करेगा, थोड़ी हल्की डाइट लेगा। यानी उसमें क्या होना चाहिए, ज़्यादातर प्रोटीन्स या मिनरल्स या विटामिन की प्रेजेंस उसमें क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए ताकि उसकी बॉडी क्या करे, इन्फेक्शन से फाइट कर सके, ठीक है बेटा। नेक्स्ट काम के हिसाब से, ऑक्यूपेशन के हिसाब से डाइट क्या होगी, अलग होगी। एक एक ऐसा पर्सन है जो सारे दिन क्या करता है, आराम करता है, ठीक है, सोता रहता है, खाता रहता है, तो उसकी डाइट क्या होगी, अलग होगी। एक क्या करता है बेटा, कोई फिजिकल एक्सरसाइज करता है, ठीक है, या फिर मजदूर है जो खेत में काम करता है, बिल्डिंग्स में काम करता है, ठीक है, उनके लिए डाइट क्या होनी चाहिए, हाई न्यूट्रिएंट्स डाइट होनी चाहिए, ठीक है बेटा। जो एक लेबर है वो पूरे दिन काम करता है, तो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की अमाउंट क्या होनी चाहिए वहाँ पे, ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो एनर्जी मिले उसको, एनर्जी से मिलते वो क्या करेगा, वर्क करेगा, ठीक है। जबकि जो यंग चाइल्ड होता है, ठीक है, जो बढ़ता हुआ बच्चा है, उसको क्या चाहिए, उसकी डाइट में प्रोटीन्स होने चाहिए, क्योंकि जो उसको बढ़ने के लिए किसकी ज़रूरत है, प्रोटीन्स वाले फूड की जरूरत है, ठीक है बेटा। जैसे गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील दिया जाता है ताकि जो बच्चे हैं वो इस स्कीम के अंदर जो आते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, उनको क्या हो, प्रोटीन रिच डाइट है उनको मिल सके, ठीक है, जो खाने के में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है उसको पूरा किया जा सके, ठीक है बेटा। तो ये होती है आपकी बैलेंस डाइट। तो इसमें आपने इसको रीड करना है। अब नेक्स्ट क्लास में इससे होने वाले जो अगर आप इनबैलेंस डाइट खाते हो तो आपको क्या क्या डिजीज हो सकती है, उनको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, ये सब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इतना बेटा सभी ने रीड कर लेना है, ठीक है बेटा।